रोमानिया से 200 भारतीयों को लेकर विमान, दो और ग्लोब मास्टर पोलैंड और हंगरी से आएंगे। हम आपको इस वक्त ये जो भारतीयों का बड़े लेवल पर इवैक्यूएशन चल रहा है, भारतीयों की वापसी पर, ये वायुसेना का बड़ा बयान है जो हम आपको बता रहे हैं कि रात 11 बजे पहुंचेगा C-17 ग्लोब मास्टर। और ये कहा जा रहा है रोमानिया से 200 भारतीयों को लेकर ये विमान आ रहा है। इसके अलावा दो और ग्लोब मास्टर, C-17 ग्लोब मास्टर पोलैंड और हंगरी से आएंगे, ये इंफॉर्मेशन भी इंडियन एयरफोर्स द्वारा साझा की गई है। भारतीयों की वापसी को लेकर ये बड़ी इंफॉर्मेशन इंडियन एयरफोर्स द्वारा शेयर की गई है। जनरल मैस्टर, आप बात पूरी करें, उसके बाद सुरेश जी प्लीज। सॉरी, तो ये मैं न्यूक्लियर का बता रहा था। जी, सब बात पूरी कर ले। पर इससे ये इससे वर्ल्ड का बहुत पूरा प्रभाव पड़ेगा, जो छोटे देश हैं। मेरे ख्याल 7 या 8 देश हैं जिनके यहाँ न्यूक्लियर वेपन्स हैं। जो छोटे देश हैं, अभी क्या करेंगे? या तो वो न्यूक्लियराइजेशन की तरफ जाएंगे, या वो किसी को न्यूक्लियर अम्ब्रेला मांगेंगे। तो क्या ये वर्ल्ड इस दिशा में जा रहे हैं कि अभी न्यूक्लियर आपके पास है तो आपके ऊपर हमला नहीं होगा? ये यूक्रेन के ऊपर ये हमला नहीं होता अगर 94 का जो बुडापेस्ट मेमोरेंडम साइन किया था, जिसमें अमेरिका, रूस और यूके भी था, उसमें ये बहुत अंडरस्टैंडिंग क्लियर थे कि ये सारे वॉर हेड्स जो चेर्नोबिल में हैं, ये सारे रशिया को हैंडओवर किए जाएंगे और उसके बाद अटैक कोई नहीं होगा। दूसरी बात, ये हमारे कई लोगों के एक है कि ये नेटो वहाँ पर है, नेटो वहाँ है। आप ये देखिए, 1968 में चेकोस्लाविया में कौन गया था, उसके बाद रोमानिया और पोलैंड में कौन गया था? ये तो सारे ईस्टर्न ब्लॉक कंट्रीज थे। ये क्या हुआ? परिणाम ये हुआ, उसके बाद वो खुद नेटो में शामिल हुए। और आज बताइए, कोई इंडिपेंडेंट देश अपनी सॉवरेंटी को ध्यान में रखते हुए क्या उसको कोई फोर्स कर सकता है या जोर कर सकता है कि आप नेटो में आ जाइए या मत आइए? सब देश के पास अपना पूरी इंडिपेंडेंस है, जिसकी अलाइन करना है अलाइन रहे, न्यूट्रल रहना है न्यूट्रल। तो ये नेटो का है, मैंने इसलिए अफगानिस्तान का उदाहरण दिया था। अफगानिस्तान में 1979 में कौन सी वहाँ नेटो थी? क्यों रशियन ट्रुप्स घुसे थे? ये मैं वहाँ पर रहा हूँ, मेरे को पूरी हिस्ट्री पता है। वो घुसे थे क्योंकि उनको वहाँ पर कम्युनिस्ट रिजीम करनी थी, और उसके बाद आपको परिणाम पता है। तो क्या ये इन्वेशंस नहीं कर रहे हैं? और कई लोग इराक की बात करते हैं। इराक का जब युद्ध हुआ था, वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन नंबर 678 के दरमियान वो सेना गई थी जो यूएस लेट थी। सिमिलरली अफगानिस्तान में जब ये 2001 में ISF फोर्स आई थी, वो भी यूएन सिक्योरिटी रेजोल्यूशन द्वारा पास हुई थी। ये जो ये अटैक हुआ है, कौन से यूएन सिक्योरिटी रेजोल्यूशन ने पास किया है? तो हमको बड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा कि बार बार ये सब मैंने बहुत लोगों से सुना है कि वो नेटो क्या किसी को अधिकार नहीं है? आज हर देश को, हमारे नीचे आज श्रीलंका है, क्या हम जाके बोलेंगे कि आप ये नहीं करेंगे तो हम जाके आपको अटैक कर देंगे? Important point, sir. Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.